यहोशु अध्याय दो। यहोशु अध्याय दो। तब नून के पुत्र यहोशु ने दो भेदियों को शित्तिम में चुपकी से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इज़राइली हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने रहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वे कहां के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों में नीचे छिपा दिया, तो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया, और ये लौटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यर्दन पार करने वाले अमेरियो के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसकी सच्ची चिहानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब रहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे, परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया, और वे जाकर पहाड़ पहुंचे और वहां खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशु के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशु से निसंदेह कहा
यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं।